हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, और देखा जाए तो इंडसइंड बैंक में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन, वो तकरीबन 32 रुपये से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। जो कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ऑल टाइम हाई से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन तो आना ही था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती हुई हमें बाजार में देखने को मिल रही है। जो कि मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है और बजट भी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं पोजिशन हल्की होती हुई हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। और इंडसइंड बैंक की बात करो तो इंडसइंड बैंक में भी अब कहीं ना कहीं दोस्तों आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि खबर ही अपने आप में ऐसी देखने को मिल रही है। तो क्या खबर निकल के आई है उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, और खबरों के चलते हमें नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं, कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ सकता है, उन सभी बातों के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूलें, और चैनल पे नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आया है और यहाँ पे जो खबर देखने को मिल रही है इंडसइंड बैंक के रिलेटेड, वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, USB सेल्स इंडसइंड बैंक शेयर रोथ 367 करोड़। तो दोस्तों इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं, तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, और जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, USB प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने तकरीबन 40 लाख शेयर सोल्ड कर दिए हैं इंडसइंड बैंक के, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है तकरीबन 367 करोड़ के दोस्तों शेयर सोल्ड कर दिए हैं इंडसइंड बैंक में से। तो बड़ी यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे सोल्ड हुई है इंडसइंड बैंक में। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो तकरीबन 328 रुपये की शेयर प्राइस पे दोस्तों एक क्वांटिटी सोल्ड की गई है। तो इस तरह की यहाँ पे खबर निकल के आई है, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई में देखने को मिल रही है इंडसइंड बैंक में। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो परचेस भी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूरोप बेस्ड बोफा सिक्योरिटी की ओर से दोस्तों ये क्वांटिटी परचेस भी की गई है 40 लाख इक्विटी शेयर की, वो भी सेम प्राइस पे। तो इस तरह के यहाँ पे दोस्तों हमें डाटा शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग डाटा इंडसइंड बैंक फॉर द डिसंबर 2020 क्वार्टर, USB प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड 2.35% का स्टेक USB प्रिंसिपल कैपिटल एशिया का था, जो कि उसमें से यहाँ पे तकरीबन 40 लाख इक्विटी शेयर सोल्ड कर दिए हैं। तो इस तरह की यहाँ पे हमें खबर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिल रही है इंडसइंड बैंक में। तो अभी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाए, या तो फिर अपने पोजिशन बना के रखिए, तो कौन से लेवल तक हमें लुढ़कता हुआ इंडसइंड बैंक नज़र आ सकता है, क्या मेजरली सपोर्ट रेजिस्टेंस आ सकते हैं, उन सभी बातों के ऊपर हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, और यहाँ पर मैंने इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकता है। और देखा जाए दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि इंडसइंड बैंक की अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2000 से भी ऊपर का हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, और लो की बात करें तो COVID-19 और पेंडेमिक के चलते जो मार्केट क्रैश हुए थे उस टाइम पे जब इंडसइंड बैंक ने लो बनाया था वो तकरीबन 250 रुपये के आसपास का लो बनाया था। तो यहाँ से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें तकरीबन इस प्राइस से 3 से 4 गुना तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है इंडसइंड बैंक में। और फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो तकरीबन 890 रुपये के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं मिडिल में ही ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक, अभी भी ऑल टाइम हाई से 50% डाउन ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम रजिस्ट्रेशन सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा वो तकरीबन 842 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, और उसके नीचे 757 रुपये का। तो ये दो सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट पकड़ के इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि अपने आप में काफ़ी मजबूत ट्रेड लाइन है। तो हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसी ट्रेड लाइन के आसपास आपको ये जो सपोर्ट भी लेता हुआ इंडसइंड बैंक नज़र आ सकता है, जो कि यहाँ पे जिस तरह से तेज़ी देखने को मिली है तो हो सकता है आपको ऊपर के लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या तो फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको साइडवेज भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में, और फिर कहीं ना कहीं इसी ट्रेड लाइन के आसपास आपको टच करता हुआ फिर से इंडसइंड बैंक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा,
लगेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली दो सपोर्ट लेवल को आप वॉचआउट कीजिए, 842 का और नीचे के लेवल पे 760 रुपये के आसपास का ये दो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर कंटिन्यूसली गिरावट रही तो पहला सपोर्ट 840 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हाल ही में जो हाई बनाया था 973 रुपये के आसपास का, वही हाई हमें एज अ रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। अगर इंडसइंड बैंक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो फिर उसके ऊपर जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 1195 रुपये के आसपास का। तो मुझे लगता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुँचने से पहले आपको इंडसइंड बैंक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या तो फिर जिन लोगों ने इस लेवल के आसपास पोजिशन बनाई है उन लोगों को कहीं ना कहीं एग्जिट कराने के लिए थोड़ी बहुत आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी एक बहुत ही बड़ी तेज़ी आनी बाकी है इंडसइंड बैंक में। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है, या तो फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत साइडवेज रहता है। तो दोस्तों अपनी पोजिशन को होल्ड करके रखिए, ठीक है, और फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए अभी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, अभी अवॉइड कीजिए, थोड़ी बहुत करेक्शन आने दीजिए, मार्केट को संभलने दीजिए, बजट आने दीजिए, और उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन होता है फिर अब एक अपसाइड मोमेंटम देखता है तब आपको पोजीशन बनानी चाहिए। और इन लेवल को आपको वॉच आउट करना है और आपको अपना भी एनालिसिस करना है, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो इसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।